कैंपेनिंग के लिए नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने भाइयों से सलाम दुआ करने के लिए जा रहा हूँ। मुझे हैदराबाद में मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन को हैदराबाद में आवाम के जगह पे किस मुकाम के ऊपर रखती है, ये पिछले कई सालों से हैदराबाद की आवाम दिखाते आई है। मैं सबसे पहले तो आप लोगों को मुबारकबाद दे दूँ कि आप लोगों की मेहनत, आप लोगों की दुआओं की वजह से जो कभी कोई सोच नहीं सकता था, जो मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के बारे में ताने करते थे, जो हंसते थे, जो हमें देखकर मजाक उड़ाते थे, जो असद साहब के बारे में कहते थे ये तो सिर्फ हैदराबाद के उतनी महदूद एक जमात है, ये हैदराबाद के बाहर बिल्कुल चलेगी नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की मोहब्बत, आप लोगों की दुआओं की वजह से हम महाराष्ट्र में गए तो वहां पर कामयाबी मिली। जिस दीवार के अंदर हम गए तो बड़े बड़े अखबार, बड़े बड़े टेलीविजन चैनल वालों ने यही कुछ कहा था कि यहां पर मजलिस कुछ जीतने के लिए नहीं आई है, किसी और को जिताने के लिए आई है। वही इल्जाम जो बार बार हम पर लगाए जाते थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार आवाम ने तय कर दिया था कि तुमको जो कहना हो कहो, इस बार इंशाल्लाह बिहार में मजलिस का ही पर्चम लहराएगा। और अल्हम्दुलिल्लाह 5 सीटें जब वहां पर जीत कर आए तो आज कांग्रेस की महफिल सजती है, भारतीय जनता पार्टी की महफिल सजती है, आरजेडी की महफिल सजती है, लेकिन चर्चा वहां पर मजलिस का भी होता है कि ये बिहार में कैसे जीत गए। हम ताकतों को यह बताना चाहते हैं कि बिहार तो सिर्फ एक छाती थी, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश अभी बाकी है मेरे भाइयों, जाएंगे वहां पर भी, लेकिन उन सब जीतों से बड़ी जीत उस मुकाम की होती है जहां से ये पौधा जन्म लिया था। मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन की पैदावार जिस शहर से हुई है वो आप लोगों का गढ़ है, और इस गढ़ को कमजोर करने के लिए आज बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं। मैं यकीन और दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में शायद कभी ऐसा कोई इलेक्शन हुआ होगा जो एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन है, लेकिन वहां पर इतने बड़े बड़े दिग्गज सेंट्रल के मिनिस्टर्स आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, सबकी मंशा यही है, सबकी कोशिश यही है कि असदुद्दीन अवैसी को उनके घर के अंदर खत्म किया जाए, उन्हें यहां पर कमजोर कर दो, वो भारत देश में फैल ही नहीं सकेंगे, पहुंच ही नहीं सकेंगे। लेकिन उन्हें इस बात का एहसास नहीं है कि हैदराबाद की आवाज सुनती सबका है लेकिन करती अपने दिल का है। और पिछले कई सालों से आपने इसका सबूत देते आए हैं, यही वजह है कि आज हैदराबाद का अगर जिक्र होता है तो लोग ये नहीं कहते हैं कि हैदराबाद में मशहूर क्या है, हैदराबाद का जिक्र होता है तो असदुद्दीन अवैसी साहब का नाम लिया जाता है। दोस्तों, आज ये इलेक्शन इसलिए बहुत मायने रखता है कि अगर इस शहर में भारतीय जनता पार्टी अगर अपने पैर पसारना शुरू कर दी तो यहां की जो तहजीब है, हमारा अपना जो शहर है जिसे हम पूरे मुल्क में नहीं पूरी दुनिया के सामने बताते हैं, ये वो शहर है जिसने हिंदुस्तान के मुसलमानों को सर ऊंचा करके और सीना चौड़ा करके चलना सिखाया है, ये वो शहर है जिसने मुसलमानों को इज्जत बख्शी है, वरना हमारी हालत क्या थी, हमारा वजूद क्या था। इसी तरह की महफिलें हर 5 साल के बाद सजाई जाती थी,
और तुम्हारा और हमारा काम ये था कि बस वो वोट मांगते और हम उन्हें वोट दे देते। इतने सालों तक यही कुछ होता आ रहा था, लेकिन जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने हमारे अंदर यह कुव्वत पैदा की, हम लोगों को बताया कि हम जमीन के ऊपर कितने भी ताकतवर हो जाए, लेकिन हमारी आवाज अगर ऐलानों तक नहीं पहुंचेगी तो कोई मतलब नहीं वो ताकत का। इतने सालों तक बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अकेले पार्लियामेंट के अंदर रहते थे। लोग कहते थे कि अकेला है, अकेला ही रहेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज इम्तियाज जलील को भी यह शर्फ हासिल हुआ है कि मैं मेरे खायर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के साथ पार्लियामेंट के अंदर जाकर बैठा हूं। एक से परेशान थे, दो से जरा ज्यादा ही परेशान हो गए। हम उन्हें यही कहते हैं यह शुरुआत है, इंशाल्लाह और भी आएंगे। और मतलब वो जमात है जो गूंगे मुक्के और बहरों को नहीं देखती है, सब बोलने वाले होते हैं और डट कर बोलने वाले होते हैं, नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डाल कर बोलने वाले होते हैं। आज यहाँ पर जिस तरह का माहौल तैयार किया जा रहा है हैदराबाद के अंदर, जिस तरह की बातें की जा रही है, एक भारतीय जनता पार्टी का नेता ये कहता है कि अगर हम चुनकर आ जाएंगे तो हम अवैसी भाइयों को अपने पैरों के नीचे रखेंगे। हम जब बिहार में थे, कांग्रेस का एक उम्मीदवार था जिसने राहुल गांधी के स्टेज के ऊपर खड़े रहकर राहुल गांधी की मौजूदगी के अंदर यह बात कही थी कि हम असदुद्दीन अवैसी के हाथ पैर तोड़कर उसे वापस हैदराबाद भेज देंगे। लोगों ने सुना, जो उम्मीदवार हमारा वहां से इलेक्शन लड़ रहा था उसको 90,000 वोट मिले और जो हाथ पैर तोड़ने की बात कर रहा था वो महज 20,000 के अंदर लपेटा गया। मेरे भाइयों, आज ये इलेक्शन महज एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का इलेक्शन नहीं है। उम्मीदवार हैदराबाद में जीते थे उससे कई ज्यादा इस बार जीते हैं और वही जीत का सिलसिला इंशाल्लाह से पश्चिम बंगाल के अंदर भी हम हासिल करेंगे, अगर आप लोगों की दुआएं हमारे साथ रहेगी। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इंतजार करना चाहूंगा मेरे भाइयों, कि आप लोग 1 तारीख के दिन अपने घरों से निकलिए और पूरी ईमानदारी के साथ जब आप वोट डालने के लिए जाए तो बटन दबाने से पहले उस मंजर को याद करना कि जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब 550 के उस ऐवान के अंदर खड़ा था, नरेंद्र मोदी साहब, अमित शाह साहब सामने बैठे हुए, असद साहब जब भी खड़े रहते हैं अलग अलग तरह के नारे लगाए जाते हैं, लेकिन उस दिन हिंदुस्तान के मुसलमानों को कितना फख्र हुआ कि वो अकेला था। और जब वो बिल आया गया जिसके अंदर ये कहा गया है कि अगर तुम इस मुल्क के अंदर पैदा हुए हैं तो साबित करो, वहां असदुद्दीन अवैसी साहब वाहिद हुए एक एमपी था जिसने मोदी साहब की आंखों में आंखें डाल कर बताया कि इस कागज के टुकड़े की कीमत हमारी नजर में क्या है। तो देख मोदी, उन्होंने उस कागज के टुकड़े को फाड़ कर उनके मुंह पर फेंक मारा। मेरे भाइयों, अगर वो एक अकेले रहकर ये कर सकते हैं तो आप सोचिए कि हम अपने ऐवानों के अंदर अगर हम आप लोगों को अगर भेजते हैं, हमने कल ही देखा है इंशाल्लाह 4 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे तो सिर्फ हैदराबाद इसका जश्न नहीं मनाएगा बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर मजलिस की ये जीत का जश्न मनाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बताओ।